जबलपुर पुलिस के द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त और अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एक विशेष अभियान जबलपुर शहर में चलाया जा रहा है। वहीं जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। वही मामले का मुख्य आरोपी आनंद पटेल है, जो कि अपने साथी 17 वर्षीय अपचारी बालक के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। वही मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल SP प्रियंका शुक्ला ने बताया कि जबलपुर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन शिकंजा अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस के द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी चेकिंग अभियान के तहत 2 सातर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दोपहिया वाहन पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जब्त किए हैं। जबलपुर से अखिलेश सोनी की रिपोर्ट।